27 नवंबर साल 1888 को गुजरात के बड़ौदा नगर में गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म हुआ। मावलंकर एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वे 26 नवंबर साल 1949 को अस्थाई संसद के अध्यक्ष बने। मावलंकर की कार्यप्रणाली ने भारत की संसदीय संस्थाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया। उन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे साल 1937 से 1946 तक बॉम्बे विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे। 15 मई 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए मावलंकर के नाम का प्रस्ताव रखा और इस प्रकार जीवी मावलंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। 27 नवंबर साल 1895 को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों की स्थापना की गई। आज ही के दिन 1895 को स्वीडिश रसायन शास्त्री, इंजीनियर और उद्योगपति अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी, जिन्होंने डायनामाइट और अन्य अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया था। अपनी वसीयत में नोबेल ने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस धनराशि पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और विश्व शांति। साल 1901 से पहले नोबेल पुरस्कारों का आयोजन शुरू हुआ।